हे गाइस, वेलकम अगेन। सो आज मैं जो आपको चेयर दिखाने जा रहा हूँ, बेसिकली हम लोगों ने आईकिया से ली है। एंड स्टार्टिंग में ये बता देता हूँ कि हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बेसिकली हम लोग का पर्पस ये था कोई छोटी चेयर्स ऐसी रखनी है जो बेसिकली हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बालकनी में बैठना है, हमें किसी रूम पे चेयर डालना है या लिविंग रूम पे डालना है, तो बेसिकली हम इसको इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें वुडन चेयर नहीं होनी चाहिए, बल्कि नहीं होनी चाहिए। तो ये है वो आईकिया से चेयर जिसको आप एक हाथ से बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं, एक फिंगर से उठा सकते हैं, ठीक है। एंड आप साइज देखो तो साइज है इसका छोटा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको जगह नहीं घेरना है। सेकेंड थिंग, ये जो है लाइट वेट है एंड ड्यूरेबल है। इसका जो फ्रेम है नीचे का है पूरा मेटल से बना हुआ है, तो ये जो फ्रेमिंग है इसकी मेटल से है। एंड दो पीस प्लास्टिक के हैं, एक नीचे यहाँ बेस पे और एक बैक रेस्ट पे। एंड थर्ड थिंग ये है कि ये सेल्फ असेंबल्ड है, तो आपको इसको असेंबल करने में कुछ भी परेशानी नहीं होनी। चार स्क्रू पीछे लगते हैं, दो स्क्रू यहाँ पीछे लगते हैं, डेट्स इट, सेल्फ असेंबल हो गया। बुकलेट भी दी गई है जस्ट इन केस आप जानना चाहते हैं कि कैसे असेंबल करना है। एंड फोर्थ थिंग, अगर आप इसके डिज़ाइन को जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, लाइक एक घंटा डेढ़ घंटा, तो ये आपको ब्रीथेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको स्वेट नहीं होने वाला है, गर्मी नहीं लगने वाली है। एंड द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी बारिश हो गई बालकनी में, ठीक है, तो जो पानी वानी है वो ना यहाँ से मस्त नीचे चला जाएगा। तो मतलब डिज़ाइन वाइज मुझे अच्छा लगता है, ब्रीथेबल है और लाइट वेट है, स्मॉलेस्ट साइज में। एंड रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो एक मतलब कभी कभी आपको पता ही है कि शिफ्ट मारना पड़ेगा, कभी ना कभी घर को इधर से उधर करना पड़ेगा ही, तो उस टाइम पे हम इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। और अगर जगह कम पड़ रही हो तो डिसम्बल कर दो और फिर से जाके असेंबल कर देना घर पे। तो एक मैंने बना ली है, मैंने एक पेड़ लिया हुआ है तो एक और रखी हुई है, इसको भी बनाते हैं। 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो असेंबली स्टार्ट करते हैं। एंड अब बात कर लूँ मैं प्राइस की, तो ऐसा नहीं कि लास्ट तक वीडियो के बताऊँगा, प्रॉब्ली 800 से 900 के बीच में हम लोगों को पड़ी है। इसके अलावा फिर आप अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं घर पे तो उसके ऑब्वियसली अलग से देने पड़ेंगे, बट अंडर 900 रुपीज़ ये चेयर है। 900 के हिसाब से ये चेयर स्टेबल है, लुक्स में अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है एंड मल्टीपल पर्पज सर्व कर सकती है। तो ये बनी हुई है, इसको कर देते हैं साइड में और दूसरे वाले को मैं आपके सामने बना देता हूँ। मुझे लिटरली 5 मिनट लगे थे बनाने में। एंड बाय द वे, हम लोगों ने ना एक बेड साइड टेबल भी ली हुई है, अगेन ये भी अंडर 1000 थी, तो सेम रीजनिंग, बहुत ही सिंपल है, वाइट कलर की है अगेन ये भी, तो उसको भी कर दूंगा मैं। मैंने अभी देखा नहीं है, एक ही ली है ये। तो अब इस चेयर को अनरैप करते हैं, ये वाले साइड्स अंदर, तो अब आप इनको ऐसे जैसे रखोगे ना तो आपको एक फील आ जाएगा क्योंकि हमारी जो चेयर है वो बनने कैसे वाली है। यहाँ बीच में रॉड लगनी है, पीछे जो रॉड लगेगी वो आई थिंक छोटी वाली होगी, आगे जो लगेगी वो बड़ी होगी, तो थोड़ा ऐसे स्पेसिंग मिलेगी आपको। एंड नीचे जो है वो प्लास्टिक के पैड्स लगे हुए हैं ताकि ये नीचे घिसे ना आपके टाइल्स पे। आपको चाहिए होगा एक प्लायर, अगर आपके पास सरेंच नॉल नहीं है तो आपको एक चाहिए होगा प्लायर, तो एक प्लायर ले लीजिएगा। एंड एक स्क्रू ड्राइवर, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। एंड ये रही इसके अंदर की बुकलेट, एंड ये हो गए आपके स्क्रू, तो ये आप देख लो, ठीक है। अब असेंबली स्टार्ट करते हैं, तो असेंबली में सबसे पहले मुझे इस रॉड को, पीछे वाली रॉड को सबसे पहले लगा देना है। अब ये रॉड्स ना एक कर्व के साथ हैं, कर्व एज इन की मतलब जो इनका ऐसे मतलब झुका हुआ पोर्शन है वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि जब आप बैठोगे तो आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये देखो आप, ये कर्व रॉड है, सीधा स्ट्रेट रॉड नहीं है, कर्व है, तो कर्व आपका ऐसे जाएगा, मतलब झुका हुआ पोर्शन नीचे जाएगा। अब इन्होंने ना, जब आप इसको एक्चुअल में यूज करोगे, जब आप इसको एक्चुअल में असेंबल करोगे, तो इन्होंने ना बहुत क्लेवर डिजाइन यूज किया हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसा फील होगा कि एक नट के शेप का, हेक्सा शेप का ये ऑलरेडी बना हुआ है, मीनिंग जब आप इसको स्क्रू इंसर्ट करोगे तो ये स्लिप नहीं करेगा जब आप नीचे से उसके नट को टाइट करोगे। तो काफ़ी दिमाग लगा के बनाया हुआ है इन लोगों ने, इट्स अ गुड डिज़ाइन, मतलब सेल्फ असेंबली के लिए बहुत ईजी रहता है। और ये स्क्रू भी हेक्सा शेप के हैं, तो इनको इंसर्ट कर देते हैं। शुरू में बस इनको इंसर्ट करना और कुछ नहीं करना है, तो थोड़ी सी स्पेसिंग देखनी है, इंसर्ट करना है, दैट्स इट। सेकेंड काम मैं जो करता हूँ अपने आपसे वो ये है कि इस प्लास्टिक के पीस को ना मैं पहले ही लगा देता हूँ। तो ये जो प्लास्टिक का पीस है, देखिए ये बहुत ही ईजिली फिट हो चुका है। अभी इस चेयर को नीचे से इसके जो नट्स हैं वो टाइट कर देते हैं, लाइटली लगा देना, फिर प्लायर से टाइट कर देंगे इसको। एक बार खड़ा करके देख लेना है कि कहीं से कुछ स्क्रू जो है वो ढीले ना हो, बिल्कुल प्रॉपरली टाइट हो सब कुछ। ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी, ठीक है।
अब इन पीसेस को जो ब्लैक कलर के दिए गए हैं इनको नीचे आपको नट्स के आगे लगाना है बेसिकली, तो प्रेस मारना है लग जाएगा तुरंत तुरंत, ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन के लिए भी काम आएगा कि वो नट एक्सीडेंटली खुले ना किसी के हाथों से, एंड थोड़े शार्प नट्स हैं तो किसी को लगे ना। ये अपनी चेयर का फ्रेम रेडी है, अब इसके सीट को बैठाना है जो कि सबसे सिंपल काम है मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में। एंड ये रेडी है, अब एक फाइनल काम करना है जो है इनके छोटे छोटे स्क्रू को जो पीछे में लगाना है ताकि ये इसकी ऊपर की प्लास्टिक कभी निकले ना। एंड ये हो गया आपकी चेयर बनके तैयार, इस पर बैठ के देखता हूँ मैं कि क्या ये स्टेबल है स्टर्डी है। तो भाई देखो आपके सामने तैयार है, स्टेबल है, अल्टी स्टर्डी है, एंड मेरी ये चेयर बिल्कुल रेडी है। एंड दोनों चेयर्स को एक साथ रख के देखते हैं कि ये कैसी लगी है, ताकि एक फील आए। ये हो गई हमारी चेयर्स रेडी। बाय द वे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो ये जो हमारी जो चेयर्स हैं और ये जो बेड साइड टेबल ये हो रही है थीम से मैच, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहने क्या वाला हूँ। आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अपनी बालकनी के चेयर टेबल कॉम्बिनेशन पर यूज़ कर सकते हो।